आप लोग को एक बात पता है, इट्स माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, किसी को पता ना चले, नहीं तो बर्थडे बॉम्ब, पता है ना। हेलो मचास, हाउ आर यू। मैं नाम है सोनू, आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सोनू एंड टपरी। बहुत ही तड़कता भड़कता था ना, पता है, बिकॉज माय बर्थडे। आज करेंगे ढेर सारे मस्ती क्योंकि टुडे इट्स माय बर्थडे। कितना घटिया राइम था वे। आज करेंगे फन डे बिकॉज इट्स माय बर्थडे। तो लॉकडाउन में बर्थडे बी काट कर एफ लगा दो। अरे यार, जैसे फेब्रुअर में बर्थडे जब आता है जितना पेनफुल होता है ना, वैसे ही इसका भी होता है। क्यों? कहीं बाहर जा नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ज़्यादा लोग से मिल नहीं पाओगे, और सबसे गंदी बात, गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। क्या कर सकते हैं भाई, कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन, जिधर भी जाओ बंद, कुछ नहीं कर सकते। बट मेरे दोस्त अलग है, पूरे कायनात से अलग है। क्यों पता है? क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी कांड कर दिया, कर दिया कांड। बोलो, देखना है, देख लो एक क्लिप में। हाय फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आपको स्वागत करता हूँ सोनू एंड टपरी, नहीं आज टपरी नहीं बोलेंगे, उसको छपरी बोलेंगे, उसके चैनल पे। आज हम लोग अपना ब्लॉग छोड़ेंगे, हमेशा वो ब्लॉग छोड़ता है लेकिन आज हम लोग ब्लॉग छोड़ेंगे। आज भाई का है बर्थडे, बेटा नाइट का शिफ्ट ख़त्म करके सोया होगा, तो सोचे उसको जाके सुबह सुबह थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं। मेरे साथ में नलिनी है और तोहित आने वाला है। अभी इनमें से घोड़ा के लिए लेंगे कुछ, कौन सा लेंगे? ये वाला या दिस वन। बेटा का आज बर्थडे है, थोड़ा पकड़ो पकड़ो, थोड़ा सा मार होना चाहिए। रुक, मारेगा, रुक जाएगा, रात का मार अभी उतरेगा। फोटो उठा ले, फोटो उठा दे, उसको मार। तुम रुक जा, फोटो हाथ से फोटो उठा। एक दिन मोबाइल मोबाइल इधर दो, नहीं इधर दो, रोटी को पड़े दो बेटा। अभी एक हुआ, कितना साल हुआ बेटा? एक साल तो तुम मान लिया, दो साल और एक मौका है, चलते रहे। 25 25 50। वीडियो बना, वीडियो बना, तो वीडियो बना, तो नहीं दीदी आउट तोड़ को ना ना, ठीक है। ए देख बाजी हो, वैसे मत कोई बोले है ना, देखो चेहरा देखो, झूक लगाएगा, झूक दे दे, नहीं नहीं एक साइड ऊंचा हो रहा है, प्लेन करो प्लेन। भाई का पति भाई रुको जरा, सबर करो। देख लिए क्लिप को, अच्छे से देखे ना, यही हुआ है मेरे साथ। बर्थडे बॉम्ब के नाम पे दिए हैं सामूहिक बलात्कार, मेरा हो गया भाई। मुझे कहाँ मार नहीं पड़ा है, मतलब ऐसा मार पड़ा है बर्थडे बॉम्ब के नाम पे, सोते जागते ते सब में याद आएगा, लिख के दे रहा हूँ। ये एक दो दिन तो मेरे लिए हेल है। तो
साल में एक बार आता है, क्या ही कर सकते हैं, ना उनको मैं रोक सकता हूँ, ना उन लोग का बर्थडे में वो लोग मुझे रोक सकते हैं। हिसाब लेगा बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजर। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये वाला वीडियो थोड़ा सा हटके होगा, क्यों? एक ही बेस है, दो कंटेंट। पहला कंटेंट आप लोग देख रहे हो, दूसरा कंटेंट है मेरा इक्विपमेंट्स। देखिए शायद मैंने आपको मेरा थर्ड व्लॉग में बताया था कि मैं व्लॉगिंग के लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ, वो प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि अगर वो चीज़ के बारे में आप लोग जान लो, अगर आप लोगों के दिमाग में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा, तो बेशक से कीजिए। मैं अपना प्रोडक्ट भी दिखाऊँगा और जितना हो सके उतना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, काइंडली उसको फॉलो कीजिए। तो यार ज़्यादा लेट ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा वो बैग जिसमें मैं अपना सारा सामान रखता हूँ, सारा ये सब सामान मैं यूज करता हूँ मेरे व्लॉगिंग के लिए। पहले स्टार्ट करते हैं इस बैग से। ये एंटी थेफ्ट बैग है एक्चुअली में, क्योंकि इसका बैक साइड में इसका लॉक है और ये सफारी कंपनी का है। और ये इसका ओरिजिनल प्राइस जो है कुछ 4000 के आसपास है, और कुछ महा डिस्काउंट की वजह से मुझे ये मिल गया था 2000 रुपये। ये है मेरा फ़ोन होल्डर, क्योंकि मैं फ़ोन से ही मेरा ये इनिशियल स्टेज है, मैं तो कोई कैमरा में अभी फ़िलहाल के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं फ़ोन से ही बनाता हूँ। मेरा फ़ोन जो है पोको X2 फ़ोन, बहुत ही सही बनता है, आप लोग तो देख ही रहे हो। और मैं फ़ोन जो होल्ड करता हूँ इससे, ये मुझे करीबन कुछ 200 से 250 के अंदर मुझे गिरा था। नेक्स्ट है आपका ये ट्राईपॉड। मुझे एक्चुअली मेरा मन था वो गोरिल्ला ट्राईपॉड के लिए, बट मुझे वो गोरिल्ला ट्राईपॉड मेरे दोस्त के पास है, मैंने उसका एक बार यूज़ किया था, तो उससे मुझे ये वाला बहुत ही बेटर लगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटा रहता है, उसको इतना साइज़ का रहता है, और इतना साइज़ का तुम बल्कि सा एक ट्राईपॉड पकड़कर एक छोटा सा फ़ोन लगाकर कुछ मैच नहीं खाता है। बट ये वाला जो है ये बहुत ही रिलायबल है, ये बहुत ही मतलब हैंडी है, कंफर्ट है इसमें, और इसका जो लेग्स है ये बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है, आप इसको कहीं पर भी कैसे भी इसको मोड़ कर लगा भी सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन चीज़ है ये बॉल हेड। क्यों? क्योंकि आप लोग जब भी शॉट लेते हो, कोई सा भी शॉट लेते हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे नीचे लैंडस्केप का शॉट हो, आपका टाइम लैप्स हो जाता है, ये सब के लिए बॉल हेड का रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसको एक बार लूज कर दो तो इसको आप कोई सा भी एंगल में उसको घुमा सकते हो, कोई सा भी एंगल में। तो ये है, मुझे कुछ 700 के आसपास गिर गया था, ये भी कुछ ऑफ़र में था, आई थिंक ये कुछ 1200-1300 का ऑफ़र में था, 1300 का प्राइस में था, और बट मुझे ये विथ ऑफ़र कुछ 700 के आसपास गिर गया था। और ये जो माइक है शॉटगन माइक बोया MM1, ये मुझे गिरा था कुछ 1200 के आसपास, इसका भी था ऑफ़र कुछ 1800 का। ये आता है कोई कोई साइट में 1800 शो करता है, कोई कोई साइट में 1400 शो करता है, पर ये मुझे 1200 में मिला था, ये कुछ ऑफ़र के साथ ही मैंने खरीदा था, इसलिए 1200 खरीदा था। और इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है कि आप जब व्लॉगिंग करते हो ना, तो आप फ्रंट साइड से ही बात करते हो ज़्यादातर, ठीक है? तो ये शॉटगन माइक, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वन फेसेस रहता है, वन साइड फेस करता है। और ये जो है, दिखा देना हूँ, एक हाथ से पकड़ करने का यही है मुश्किल है, ये रहा। इससे क्या होता है ना, आपका जो आवाज़ है वो यहाँ तक ही आएगा, फ्रंट से, कोई साइड से बोले, कोई बैक से बोले, कोई ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी बोले, उतना कैच नहीं करता है जितना सामने से कैच करता है, अगर मैं ऐसा बात करूं तो करेगा। और ये आपको पता होगा, ये है डेड कैट जो कि विंड कट करता है। दूसरा है मेरा वाइड एंगल शॉट। ये मेरे मेन कैमरा में वाइड एंगल चाहिए था,
पूरा वाइड एंगल, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया था। ये सही में मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा, ये मुझे गिरा था करीबन कुछ 600 के आसपास, ठीक है। और इसका जो ये जैसे DSLR का रहता है लेंस कैप, इसको सब प्रेस करो निकालो, और ये इसका है लेंस कैप, सामने तरफ दिया गया है और इसका पीछे भी दिया गया है लेंस कैप। एक्चुअली ये है दो, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये आपका मैक्रो शॉट के लिए है, ठीक है, और जो सामने वाला जो है ये आपका वाइड एंगल है। अगर आपको खाली मैक्रो शॉट लेना है तो आप ये सामने वाला हिस्सा को निकाल कर ये वाला हिस्सा को लगाकर आप शॉट ले सकते हो, इसका कोई दरकार नहीं है मैक्रो के लिए। अगर आपको वाइड एंगल शॉट चाहिए तो आपको ये दोनों एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। और ये रहा उसका क्लैंप, मैं आपको एक बार इसको लगा के एक बार शो कर लेता हूँ बस नॉर्मली आपको दिखाने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का फिट आता है, यहाँ पर स्क्रू टाइप का माउंट दिया गया है, तो आप इसमें इसको फिट करके इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक। उसके बाद वाला कुछ ज़्यादा ही प्राइस का है, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा है, मुझे चाहिए थी इसलिए मुझे मजबूरन ख़रीदना पड़ा। आपको बेयरली आपको ये चीज़ दिखेगा नहीं, बट ये वाला लेंस एक्चुअली में इसमें एक प्रॉब्लम था, अभी मैं इसको माउंट करता हूँ तो मेरा मिरर रिफ्लेक्शन आ जाता था इसमें, ठीक है, तो मेरा वीडियो में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता था, मैं उसको बड़ी मुश्किल से एडिटिंग से हटाता था। तो फॉर दिस रीज़न ओनली मैंने ये वाला स्काईविक का मैंने ये ऑर्डर करा था, स्काईविक का वाइड एंगल लेंस है, ये भी सेम इसी टाइप का लेंस है। ये रहा जो बॉक्स, ये बहुत ही सही कैरी करने के लिए बहुत ही सही चीज़ है, यहाँ पर क्लोथ रखा हुआ है जो क्लीनिंग क्लोथ रहता है इसका, और दूसरा ये जो है इसका क्लिप है जिसमें आप इसको यहाँ पर अटैच करके सेम उसी के तरह इसको यूज़ कर सकते हो। बट ये थोड़ा लंबा है, ये जो इसका जो आर्म है, दो आर्म है, ये बहुत लंबा है। मेरा जो पोको X2 है ना, इसमें ना कैमरा जो आपका बीच में जो कैमरा है, मेरा ये कैमरा पूरा बीच में लगा हुआ है, तो मैं अगर ऊपर से इसको लगाने ट्राई करूँ या फिर साइड से लगाने ट्राई करता था इसको, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, ये आता नहीं था, ठीक है। पर ये वाला इसका जो आर्म है ये बहुत लंबा है, तो ये इजीली मेरा बैक कैमरे को भी ये आराम से सपोर्ट कर लेता था, ठीक है, कर लेता है। तो ये रहा उसका क्लिप, और सबसे मेन चीज़ ये दिखने में जितना मॉन्स्टर लगता है ना, ये है भी उतना मॉन्स्टर इस चीज़, ठीक। ये रहा इसका लेंस, ये रहा नॉर्मल, ये रहा विथ वाइड एंगल लेंस। अब जो चीज़ आएगी ये सबसे ज़्यादा महंगा, मेरे ये इतने सारे जितने भी ये आप देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सामान को मिला दो ना तब भी ये नहीं आएगा। बट इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, समबडी गिफ्टेड दिस फॉर मी। ये है होहेम का गिम्बल, ये मुझे गिरा था कुछ 1 मिनट, मैंने आपको इसका कॉस्ट नहीं बताया था, ये जो स्काईवी का लेंस है इसका प्राइस है 2000 रुपीज़, ठीक है, 2K। और ये वाला जो था होहेम, ये वाला जो है इसका कॉस्ट है करीबन 8000 रुपीज़, ठीक है। ये मुझे कुछ ऑफ़र में कुछ 6000 के आसपास मिला है, 6000 या फिर 6500 के आसपास कुछ मिला है, मुझे याद नहीं है, बट सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाला यही है। फ्रेंड्स ये है मेरा 3-axis गिम्बल, और बहुत सही गिम्बल है, मैंने इसको मेरा जो व्लॉग था, जो मेरा लास्ट व्लॉग था मंदिर डैम वाला, उसमें मैंने इसको यूज़ करा था, बहुत ही सही चीज़ है ये। और ये एक्चुअली 3-axis है, ये आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, ये रहा उसका पावर बटन, आपको यहाँ पर फ़ोन को अच्छे से इसको बैलेंस करके रखना है, पहले एक बार ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाए उसके बाद यहाँ पर ये रहा उसका ऑन ऑफ बटन, इसको कुछ देर उसको होल्ड करके रखो, ये हो गया मेरा स्टार्ट। मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी उसको घुमाऊँ कोई भी इशू नहीं है। और ऊपर से ये एक तो अच्छा क्या है पता है, 360 भी नहीं 600 डिग्री ये चीज़ रोटेशन करता है, आप लोग देख लो डेमो। ओके
तो सिनेमैटिक शॉट के लिए ये चीज़ बहुत ही मैंडेट होता है अगर आप फ़ोन से बना रहे हो, क्योंकि आप हाथ से बनाओगे मतलब हाथ से पकड़ोगे फ़ोन को या फिर ट्राइपॉड से पकड़ भी लो, ये उतना आपको सही से नहीं मतलब उसका स्टेबिलिटी सही नहीं रहता है। पर इसका जो रहता है ना, मैंने टेस्ट करके देखा है मैंने, मतलब पता ही नहीं चलता है यार कोई को, मतलब नॉर्मल फ़ोन से बना है ना किस में बना है, बट बहुत ही सही है। अगर अभी तक आप वीडियो देख लिए हो तो बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसमें दो कंटेंट थी, पहला कंटेंट था मेरा बर्थडे का और दूसरा कंटेंट था मैं जो अपना व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सर्च करने में, तो आप आराम से मेरे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारा लिंक रहेगा, आप उसको फॉलो कीजिए, आप इजीली आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। और आई थिंक अभी दिवाली में भी ऑफर्स चल रहे हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सोनू अंडाफ्री साइनिंग ऑफ।